ये बढ़िया फिल्म है सैम बहादुर। मज़ा आया मुझे तो देख के, एक बढ़िया फिल्म मुझे लगी। मेरे नज़रिए से तो इंटरटेनिंग भी थी फिल्म, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से मुझे बोरिंग नहीं लगी। हालांकि जिस प्रकार का टिपिकल इंडियन सिनेमा में जो हम जो है टिपिकल बॉलीवुड सिनेमा में जो हम जो देखते आए हैं, और वैसा इंटरटेनमेंट के गाने भी है, एक आइटम सॉन्ग भी रहता है, फिर वो भी आ रहा है, एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, फिर रोमांस चल रहा है, वैसा पैकेज आपको नहीं मिलेगा वो वाला जो हम मास सिनेमा में देखते हैं। मास सिनेमा वाली ऑडियंस जो है वो एनिमल देखने के लिए जा ही रही है, क्लैश हुआ है तो सामने। लेकिन सैम बहादुर एक अलग तरह की फिल्म है। पर्सनली मैं इस तरह की फिल्में काफ़ी पसंद करता हूँ जो थोड़ा सा रियल इंसिडेंट दिखाते हैं, रियल सिनेमा जो होता है प्रॉपर। मुझे इस तरह का सिनेमा पसंद आता है हमेशा से, वो चाहे हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, या साउथ की तरफ से, या कहीं का भी ऑडियंस का हो, किसी भी देश का हो, मुझे पसंद आता है। यहाँ पसंद आया, बढ़िया डायरेक्शन देखने को मिला पूरी फिल्म में। सबसे मेन हाईलाइट और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगेगी मेरे नज़रिए से वो है फिल्म का डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन को सबसे ऊपर रखूंगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो फिर मैं रखूंगा सेकंड नंबर पे विकी कौशल की परफॉर्मेंस। वन ऑफ द बेस्ट है उनके करियर की, क्योंकि बेस्ट तो सरदार उधम को मेरे नज़रिए से मुझे लगता है। बाकी जो है ये सरदार उधम के बाद मैं इसको कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट है सैम बहादुर के कैरेक्टर में। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड कैरेक्टर जो आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि फातिमा सना शेख ने भी अच्छा काम किया, क्योंकि उनकी पिछली फिल्में जो मैंने देखी लूडो वगैरह, उनमें मुझे ऐसा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मुझे उनका कुछ गजब लगा नहीं है। दंगल में नितेश तिवारी थे इसलिए उन्होंने तो बढ़िया ढंग से काम करवा लिया था, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड उतना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता उनका काम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काम बेहतर किया, क्योंकि वो डायरेक्टर को पता है कि कैसे काम निकलवा, बहुत बढ़िया डायरेक्टर। उनका पिछला इतिहास उठा के देख ले, पुरानी फिल्में भी दो तीन उनकी जो आई है अभी तक, तीन फिल्में मेरे ख्याल से उन्होंने बनाई है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे लेती है और उनसे एक्टिंग निकलवा लेती है, उनको मालूम है कैसे कराना। तो यहाँ पर लगभग सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्क्रीन प्ले भी फिल्म का अच्छा है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आप कहानी के बारे में तो बोलने का मुझे लगता है ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि कहानी तो फिर रियल उस पर उठाई हुई है, तो कहानी के बारे में ज़्यादा फिक्शनलाइज तो है नहीं उतनी ज़्यादा, इसलिए स्क्रीन प्ले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिल्म अच्छी लगी, एक अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज है। ऑडियंस का अब सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो इस तरह की फिल्में देखती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती तो ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता भी नहीं कि फिल्म ज़्यादा कमाएगी, क्योंकि थिएटर में मेरे ख्याल से 12 या 14 लोग बैठे हुए थे मुझे मिला के भी, तो ज़्यादा ऑडियंस आ नहीं रही है देखने के लिए। तो बाकी आपके ऊपर, अगर आप इस तरह की फिल्में पसंद करते हैं तो बिल्कुल थिएटर में जाके देख सकते हैं।